और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हुए हत्याकांड केस के खुलासे ने खलबली मचा दी है, क्योंकि इस हत्याकांड साजिश रचने वाला कोई और नहीं बल्कि इंडियन आर्मी के क्लीन मैन टाउन देहरादून में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात एक अधिकारी हैं। दरअसल पुलिस को सिरबालगढ़ में संदिग्ध अवस्था में एक महिला का शव बरामद हुआ था। चूंकि यह महिला नेपाल मूल की थी और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की रहने वाली थी, इसलिए शव की शनाख्त करना पुलिस के लिए भी मुसीबत बनी हुई थी। हालांकि इस केस को सुलझाने के बाद खूनी की जो पहचान हुई है उसने पुलिस को भी अचंभित कर दिया है। साथ ही साथ मोबाइल फोन भी था, वो भी हमने बरामद कर लिया है, सारी चीज बरामद कर लिया है। हमारे पास डिजिटल एविडेंसेस भी हैं, उसको भी हम वो भी हमारा पूरा लिंक हो गया है। और इसी गाड़ी में जीपीएस सिस्टम भी लगा हुआ था, उसके माध्यम से भी चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई हैं। बेसिकली त्रिकोणी प्रेम प्रसंग वाला मामला था और ब्लाइंड मर्डर था, इसको हमने रिकॉर्ड टाइम में विदिन 24 आवर्स से भी पहले हमने इसको मामले को हमने वर्कआउट कर लिया है। पूरे टीम को सभी लोगों ने पदने से काम किया, लाखों लोग लगे रहे, और पूरी टीम को मेरे तरफ से 25,000 का नगद पुरस्कार, क्योंकि सेंसेशनल क्राइम था और इसको हमें वर्कआउट करने पर मेरी टीम को, उनके स्टोर के, उनके मिस्टर को मेरे तरफ से 25,000 का नगद पुरस्कार की घोषणा करता हूँ।